That live on or inside the body of other animals to obtain food. Some parasites are flea, bug, leech, mosquito, and tapeworm, etc. बेटे पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और उसी से अपना जो है फूड ऑप्टेन करते हैं ठीक है पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों की या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और वहीं से अपना फूड ऑप्टेन करते हैं और कुछ पैरासाइट्स के नाम देख लो बेटे फ्ली बग लीच मॉस्किटो एंड टेप वॉर्म्स एटसेट्रा ठीक है ये इसकी एग्जांपल्स हैं आगे आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर एट पर हाउ डज अ बियर सर्वाइव इन अ वेरी कोल्ड प्लेसेस जो बियर है बेटे वो बहुत ज्यादा ठंड वाली प्लेसेस में कैसे सरवाइव कर पाता है कैसे जीवित रह पाता है अ पोलर बियर हैज अ थिक लेयर ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोटेक्ट इट्सल्फ फ्रॉम चिलिंग कोल्ड जो बेटे पोलर बियर है ना उसकी जो बॉडी के ऊपर लेयर है ना बहुत थिक मोटी लेयर होती है फर की जो कि उसकी बॉडी को चिलिंग कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है जो उसकी बॉडी के ऊपर फर होती है बहुत मोटी थिक फर होती है लेयर जो होती है ना ऊपर की बहुत मोटी होती है नंबर टू इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन टू कीप इट्स बॉडी वार्म और फिर बेटे उस फर के अंदर जो उसकी आ, लेयर है फैट की ना स्किन की वो तो बहुत ज़्यादा मोटी होती है बहुत ज़्यादा वर्म होती है जो उसको बॉडी को वर्म रखने में हेल्प करती है फैट की एक बहुत मोटी लेयर होती है फर के नीचे इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू कैच इट्स प्रे बाकी बेटे उसकी स्मेलिंग की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है तो उसको अपने शिकार का बहुत जल्दी से पता चल पाता है स्मेल से ही पता चल जाता है नंबर फोर इट्स वाइड एंड लार्ज पॉज हेल्प इट टू वॉक इजली ऑन द स्नो बाकी बेटे जो कि पोलर बियर के वाइड और लार्ज पॉ बड़े बड़े पंजे होते हैं वो उसको ईजिली स्नो के ऊपर चलने में हेल्प करते हैं तो ये बेटे फीचर्स हैं कुछ जिसके कारण जो पोलर बियर है वो ईजली जो है सर्वाइव कर पाता है कोल्ड प्लेसेज में ठीक है तो बेटे ये हमारे क्वेश्चन हो गए आज कंप्लीट ठीक है सभी बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं टिल दैट थैंक यू हैव अ नाइस डे